नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कौन? आप? मैं निर्मल बाबू की एक स्टूडेंट हूँ, तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे? हाँ, याद है एक बार तुम कॉलेज में आई थी, एक झलक सी थी मेरे दिमाग में, लेकिन कुछ समझ नहीं सकी। जानती हो क्या? नहीं, क्या है तुम में जो निर्मल बाबू जैसे हमारे प्रोफेसर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गए? धूल भी तो नहीं हूँ मैं उनके पांव की। लक्ष्मी, कितना मासूम। ये क्या? नहीं चलो, ले लो, नहीं चलो, ले लो, ले लो। ये मेरी मम्मी का है, उन्होंने मुझे दिया था। इससे तुम्हारा, निर्मल बाबू का हमेशा भला होगा। ले लो। आप नहीं थे, कहने आई थी। संभल के रहिए गुंडे। जानता हूं रत्ना, गुंडों की मुझे कोई परवाह नहीं, जान से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। आज मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है। मुझे यकीन है परमात्मा आपकी इज्जत रखेगा। तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ हैं, फिर भी? डैडी परमात्मा तो नहीं। शुक्रिया। निर्मल बाबू, आपको अपनी जान इतनी प्यारी नहीं, लेकिन लक्ष्मी का आपके सिवा सारे जहां में कोई नहीं। ये क्या? रत्ना आई थी, कहती थी रख लो इसे, इसे तुम्हारा, निर्मल बाबू का भला होगा। लक्ष्मी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों शादी कर लें। शादी? हाँ। मैं सपने देख रही हूं क्या? नहीं लक्ष्मी, सच। भगवान, क्या मैं इतनी भाग्यवती हूं? लक्ष्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूं, जल्दी लौटाऊंगा। न चाहिए बाबूजी। क्यों? न जाने क्यों, मेरा दिल कह रहा है न चाहिए बाबूजी, न चाहिए। लेकिन आज तो मुझे कॉलेज की कमेटी के सामने पेश होना है, मेरी इज्जत का सवाल है। लक्ष्मी, चलो आज ही शादी कर ले, मैं अपने साथ पंडित को लेता हूं। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना।
तुम यहाँ? घबराओ नहीं, तुम्हें जबरदस्ती वापस ले जाने नहीं। तो शादी हो रही है तुम्हारी? हाँ आज ही, अब तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। बच्ची रही लक्ष्मी, तुम्हें मालूम है इतने सब लड़कियों के होते हुए मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे क्यों रहा? मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी लालच, अब तुम जाओ। नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा प्यार इसलिए रहा क्योंकि तुम्हें देख मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। विमला चली गई, मुझे इतना दुख न हुआ, लेकिन तुम जैसे बिल्कुल वही मेरी जिंदगी दोहरा रही हो। एक दिन तुम्हारे तरह मैं भी घर से भाग कर आई थी। बहुत बड़े जमींदार का लड़का था वो, हमने शादी कर ली। जानती हो फिर क्या हुआ? क्या? उन्होंने खुदकुशी कर ली। नहीं, तुम मुझे बहका रही हो, ये सब झूठ है, चली जाओ यहाँ से। इज्जतदारों की बीवी उनकी इज्जत होती है, उनके बच्चों की माँ। वो कभी नहीं सुन सकते कि उनकी औलाद के बारे में कोई कहे वेश्या की औलाद है। नहीं, नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊँ। वो मौत मांगती हैं, लेकिन उन्हें मौत नसीब नहीं होती। चंद एक खुश नसीब ऐसी हैं जो खुदकुशी कर लेने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उनकी मौत की किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं पूछता हूं उनका गुनाह क्या है जिनकी सजा ये है? गुनहगार कौन है? मैं, आप या वो मासूम लड़कियां जिन्हें हम वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं? क्या मेरा, आपका उनकी तरफ कोई फर्ज नहीं? आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम एक लेक्चरर हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लेक्चरर सही इंसान भी हूं। रास्ता चलते अगर कोई किताब और वो भी बच्चों का कायदा मेरे कदमों में आ पड़े तो मैं उसे उठाए बगैर, अपनी आंखों से लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूं, शिक्षक हूं। और अगर वो किताब एक बेबस मजबूर लड़की की हो जो पढ़ना चाहती हो, लेकिन जिसे हालात और चंद लोग वेश्या बनने पर मजबूर कर रहे हो, तो मैं उन हालात और उन लोगों के खिलाफ जंग किए बगैर नहीं रह सकता। वो लड़की लक्ष्मी है। अब अगर आप लोग भी उन हालात उन लोगों का साथ देना चाहते हैं, अगर आपकी नजरों में भी लक्ष्मी बुरी है, उसकी आपके समाज में कोई जगह नहीं, तो मैं भी बागी हूं। जहां मेरी जगह नहीं वहां जगह बनाऊंगा, जहां लक्ष्मी की जगह नहीं वहां लक्ष्मी को बिठाऊंगा। आप फैसला कर लीजिए। मेरा फैसला है। ठहरिए सेठ जी, फैसला सिर्फ आप ही पर निर्भर नहीं। मैं समझता हूं, लेकिन एक बार, शायद आखिरी बार, अगर श्री निर्मल कुमार बागी हैं तो मुझे भी बगावत करने दीजिए। मेरा फैसला है। मैनेजिंग कमेटी आपके फैसले की पाबंद नहीं। लेकिन मैं मैनेजिंग कमेटी के फैसले का पाबंद हूं। मेरा फैसला यह है कि मैंने श्री निर्मल कुमार को समझने में गलती की है। वो निर्दोष है। क्या आप लोगों का यह फैसला नहीं? मैनेजिंग कमेटी का भी यही फैसला है, और मैनेजिंग कमेटी प्रोफेसर वर्मा का इस्तीफा भी नामंजूर करती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाना चाहूंगा। आप सबको यह सुनकर खुशी होगी कि कल मैं आपको पढ़ाने के लिए जरूर आऊंगा। प्रोफेसर निर्मल कुमार देख रहे हैं। ये तस्वीर तो नहीं ला सका। रास्ते में गुंडों ने लक्ष्मी 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 तू कहाँ हो? लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ है? मैं जब से वापस आई हूँ मैंने तो उसे देखा नहीं। पर भैया ये आपको क्या हो गया? तो वो गई कहाँ? मुझे पता नहीं। हाँ आपके नाम एक लेटर है। वाह बाबूजी, न जाने कौन से पाप किए हैं मैंने जिनसे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिल सकती। मौसी आई थी मुझे वापस ले जाने नहीं बताने, वो भी मेरी तरह उस नरक से भाग आई थी। आप जैसे एक देवता ने उसका हाथ थामा था। शादी हुई थी, जानते हैं फिर क्या हुआ? उन्होंने खुदकुशी कर ली। भगवान न करे कल हमारे बीच ऐसा हो। लक्ष्मी क्या कर रही हो? इतनी कोशिशें तकलीफें हमने इसलिए सही
मैं तुम्हारी जिंदगी में लौट जाने के लिए नहीं आया। मैं ऐसा बुजदिल नहीं, तुम्हारा हाथ थामा है तो निभाऊंगा, जिंदगी भर निभाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? लक्ष्मी बोलो, बोलो लक्ष्मी।